उसका पति कोरी हो चुका है, हम मैं क्या करूं? कौन पे पत्र भीष्म पड़ा है, मेरा मेहमान कोड़ी हुआ है। कौन पे वज्र मुकेश सिंह, अरे मेरे भैया धानी की अधोपर में नैया, मुकेश सेने लता बहना तूने कजैयो, धानी की मैया को धीर बनैयो, तूफानी ने का दौड़ो दौड़ो जइयो, धानी मैया को धीर बनैयो। भैया हे भगवान ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूं? तो भाई बंधु कहने लगे कि भैया कोड़ी पुत्र को तो हम अपनी बेटी को नहीं दे सकते हैं, ऐसा करो कहीं तलाश करके दूसरा लड़का बुलवा लो। मेरे भगवत प्रेमियों, आज धर्म सिंह ने क्या किया, एक मोरोली गांव से लयो दूजो कुमार बुलाए, भाभी धानी से कहे सुने नदी चितलाई। धानी अरे नंदी तू तैयार हो जा। भाभी मैं तैयार नहीं हो सकती हूँ, और सुन मैं कह रही हूँ समझाए ननद मेरी, सुन ले प्राणन प्यारी है। जाए ननद मेरी सुन ले प्राणन प्यारी है, मोहरौली से आए सजना होबे विधा तुम्हारी है, हे धानी तू जाके तैयार हो जा, मैं तेरे से कहती हूँ जल्दी जा। और कर ले तू स्नान रचाए ले, दो हाथन में मेहंदी है, और कर ले तू स्नान रचाए ले, दो हाथन में मेहंदी है, जा जल्दी तैयार हो जा, तेरा पति तो कोड़ी हो चुका है, हमारे ससुर ने तेरे लिए बड़े अच्छे लड़का की तलाश कर रखी है, जल्दी से जा। और सुन और भर ले तू सिंदूर मांग में काजल माथे बेंदी है, और भर ले तू सिंदूर मांग में काजल माथे बेंदी है, जब इतने शब्द अपनी भाभी के सुने हैं तो धानी एकदम से क्रोधित हो गई, और इतने शब्द सुनते हुए धानी मालूम है क्या बोली, मैं किसी के साथ में नहीं चल करके जाऊंगी, और आपने
मेरी छाती पर ऐसी लात क्यों मारी, आप ऐसे मत कहिए। और क्या बोली, ओ भाभी क्या कहती हो, ओ भाभी, ओ भाभी क्या कहती हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं होने वाला है रे, ऐसा नहीं होने वाला है। परमेश्वर एक होए, हाँ पति परमेश्वर एक होए, दूजा नहीं, हाँ दूजा नहीं होने वाला है रे, दूजा नहीं होने वाला है। और क्या कहने लगी, क्यों ऐसा किया पिताजी ने, क्यों ऐसा किया पिताजी ने, मैं अपना सत नहीं छोड़ूंगी, कोड़िया निर्धन होए पति, कोड़िया ओ भाभी, कोड़िया निर्धन होए पति, मैं अपना सत नहीं छोड़ूंगी रे, मैं अपना सत नहीं छोड़ूंगी। अरे भानु उगे चाहे पश्चिम से, सुन भाभी, अरे भानु उगे चाहे पश्चिम से, विश्व पर से चाहे अंबर से, श्री गंगा उल्टी बह जाए, श्री गंगा उल्टी बह जाए, परिधानी वो परिधानी डिगे ना निज पद से, परिधानी डिगे ना निज पद से। हे भाभी, ऐसा नहीं हो सकता है, पति और परमेश्वर जगत में एक है। करजोनी छोड़कर, सिया से नाता तोड़कर और कोड़ी पति से मुंह मोड़कर अंत में कहीं नहीं जा सकती हूँ। नहीं नहीं नर्दी, तेरा पति तो कुश्ती हो चुका है, हमारे ससुर साहब ने तेरे लिए तलाश करके दूसरा लड़का बुला लिया है, इसलिए तू तैयार है, जा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे श्री गंगा उल्टी बहे, चाहे सूर्य पश्चिम से उगे, चाहे अंबर से विश्व से, चाहे मेरे प्राण या चले जाएं, लेकिन मैं करजोनी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूं। और सुनिए, आज मेरे भगवत प्रेमियों, धानी ने साफ मना कर दिया तो धानी की भाभी अपनी सास से कहने लगी, भाभी ने कही सास से जाई, मैया बेटी को सबित रही समझाई, लली कहे भैराय के सुन ले माई, और धानी जीवित करजोनी छोड़ अंत नहीं जाई। हे मैया, तू पिताजी को समझा दे, मैं करजोनी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। और सुनो मैया मेरी, सुन ले पुकार, तू जो पति ना बनाऊंगी के, मैया मेरी सुन ले पुकार, तू जो ना पति बनाऊंगी, हे मैया मैं करजोनी को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती हूँ। मैं जो करजोनी न जाऊंगी तो अपनो प्राण गमाऊंगी, मैया जो कर जोनी न जाऊंगी, पति धर्म मात न डिगाऊंगी, जी तेजी अंतर
बनाऊंगी के मैया मेरी सुन ले पुकार तू जो न पति बनाऊंगी मैया तू पिताजी को समझा दीजिए मेरे पिता को माँ समझियो मोए कर जोनी पहुँचियो मैया पिता को तुम समझियो मति सर पे पाप चढ़ियो तुम दुख में दुख मति पढ़ियो मैया सर पे पाप चढ़ियो और क्या लाज मेरी राखे त्रिपुरार तू जो न पति बनाऊंगी के मैया मेरी सुन ले पुकार तू जो न पति बनाऊंगी के मैया मेरी सुन ले पुकार पति बनाऊंगी आज मेरे भगवत प्रेमी और धानी ने साफ मना कर दिया तो धानी की मां ने अपने पति को बुला लिया और कहने लगी कि धानी जाने से इनकार कर रही है। धर्म सिंह कहने लगा बुलाओ मेरे सामने धानी को। हे धानी। हाँ पिताजी। तू कुछ ऐसा कार्य करना चाहती है बेटी? क्या? जिससे तुम्हारे पिताजी की नाक कट जाए? नहीं पिताजी, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहती। तो तू तैयार हो जा, तेरा पति तो कोड़ी हो चुका है, मैंने तेरे लिए दूसरा लड़का तलाश करके बुलवा लिया है बेटी। नहीं पिताजी, मैं करजोनी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। ना 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 बेटा, मेरी कही मान, तेरा पति कोड़ी है और कोड़ी पति के साथ में तू किस तरह से जीवन व्यतीत करेगी, मेरी कही मान बेटी, तैयार हो जा। नहीं पिताजी, मेरे सर को काट कर और गेंद की तरह उछाल 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 कर खेल लीजिए आप और मेरी आंखों को निकाल कर अपने गले में डाल लीजिए। पिताजी, मेरे शरीर को हड्डियों को अलग अलग कर दीजिए, लेकिन मैं करजोनी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। धानी, शायद तू इस बात को नहीं जानती है कि तू किससे बात कर रही है। तमाचा लगने पर एक कदम पीछे नहीं हटी है, बड़ी हटीली है। मैं देखता हूं तेरे पतिव्रत धर्म को। आज मेरे भगवत प्रेमियों, धर्म सिंह आग बबूला हो गया और धानी की बाह को पकड़ करके और क्या किया उसने? सुन बेटी के बैन बढ़ी तन ज्वाला, जन्मी घर डायने आय करू मुँह काला। अब धानी तूने पहन ली गले में मौत की माला और मैं दऊं पंद में डार सूखे हुए छाला। तेरी चमड़ी सूख जाएगी, मैं देखता हूं तेरे धर्म को। ए सुन बेटी के बेना सुरक भय ने न क्रोध उतन छायो, मैं देखूं कैसी सतबंती वचन तो फरमायो। बचन भरमायो, बचन भरमायो, बचन भरमायो, बचन भरमायो, मैं देखूं कैसी सतबंती बचन तो फरमायो। और दऊं बंद में डार के तो कुमारे बहुत झुंझलायो, अरे झुंझलायो। हत्यारी तूने कुले दाग लगवायो, हत्यारी तूने कुले दाग लगवायो।
जावे तनिक उमर की मरदो सुनियो ध्यान लगाए। और सात कोठरी ने भीतर डारी फाटक सात दए लगवाए। और सात दिना अब कोई मत खोलो धर्म सिंह भेराए। और मर जाए खेचे उठाए के ले जाए और चमेल में दिए बहाए। पंचो दइए बन में डारे के फाटक साथ लगाए दे हैं। दादा दइए बन में डारे के फाटक साथ लगाए दे हैं। भैया दइए बन में डारे के फाटक साथ लगाए दे हैं। साथ लगाए गए हैं पंचो ओ दादा ओ भैया दइए बन में डारे के फाटक। आज मेरे भगवत प्रेमियों धर्म सिंह ने धानी को सात कोठरी भीतर बंद कर दिया और लोहे के ताले लगा दिए और ये हुक्म दे दिया कि इस हत्यारी को सात दिन कोई मत खोलना, ये मर जाएगी, इसे निकाल करके और इसकी लाश को चंबल में बहा देंगे। इस लड़की ने मेरी इज्जत में पानी फेर दिया। आज धानी मैया व्याकुल होने लगी, हे प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। आज तीन दिन हो गए व्याकुल होने लगी, किस प्रकार से। तीन दिन आ गए बीते बंदी में रोई रही धानी। कैसे बताएं लोगों, तीन दिन आ गए बीते बंदी में रोई रही धानी। जाके तन पे पड़ रहो कष्ट बह रहो कष्ट धानिया पे पर रोए मुख चार सत्यों कह के जल अखियन में आयो है। धानी बिलक बिलक करके रोने लगी, हे भगवान हे मेरे साथ में क्या हो रहा है प्रभु। तूफानी जी, अरे इतना पांच व्यतीत भय है।
हर लग रहे हैं। अब तो धानी पर बहुत कष्ट है मेरे भगवत प्रेमियों, किन शब्दों में बताऊं मैं। और विपत्ति भावई सब पे पड़ गई, मर्दो सब सताई गई आए आए कहे आया। जो तो धानी पे विपता पड़ रही, पंचो सुनियो के ध्यान लगाए। और पांच दिन आ जाए भीतर हुई गए, जाके प्राण ले रहे घबराए। और वो एक कदम गिर पड़ी आज पृथ्वी पे, मैया को मूर्छा के कहिए के आए। पटक दियो तर धरती पे, चुड़िया छार रे छार हो जाए। अरे आज तो धानिया के रोए दिए में, पक्के महल रे दरा रखाए। और सुम साम नंगल में छा रही, जाको दुख सहो ना जाए। रोए रोए रे वा घर में के, मानो सिया रे हरन हो जाए। भैया आज धानी बुरी तरह से बिल्लाप करने लगी, हे बाबू देव मेरी बंधन को छुड़ाओ। और क्या धानी रोबे खड़ी, मो पे विपता पड़ी बाबू देवा। धानी रोबे खड़ी, मो पे विपता पड़ी बाबू देवा। मोया भागने को पार करो खेवा। धानी रोबे खड़ी, मो पे विपता पड़ी। मेरे सासु ससुर कहने लगी, हे प्रभु मेरे सासु ससुर, मेरे सासु ससुर वृद्ध भारी, पति पुष्टि तन मन दुखारी। और क्या विपता की घड़ी, विपता की घड़ी ये तारे ना तरी बाबू देवा। मोल वागिन को पार करो खेवा। धानी रोबे खड़ी में बंधन में पड़ी बाबू देवा। मोल वागिन को पार करो खेवा। पांच दिन बीत गए, मैया व्याकुल होने लगी और किस तरह से बाबू महाराज को बुलाने लगी, हे बाबू देव, हे अलख अविनाशी, हे चंबिल के वासी, मुझे दर्शन दे दो, मेरी बंधन को छुड़ाओ। अलख मेरी लियो बंदी छुड़ाई नाथ, बस छूटे प्राण मेरे हैं। छूटे प्राण मेरे हैं स्वामी, छूटे प्राण मेरे हैं। अलख मेरी लियो बंदी छुड़ाई नाथ, बस छूटे प्राण मेरे हैं। हे प्रभु मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए, अब मन पर दुख सहा नहीं जाता। सच की कटारी मेरे कंठ पे धरी है नाथ, सत की कटारी मेरे कंठ पे धरी है नाथ। हे प्रभु मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए, अब बिल्कुल भी दुख मेरे से सहा नहीं जाता।
जाएंगे प्राण रहे अब तो तुम्हारे हाथ, जाएंगे प्राण अब रहे तो तुम्हारे हाथ। क्यों रहे मेरी असी कराई नात, मेरे घट में प्राण रहे हैं अलग तो मेरी लियो बंद छुड़ा है नात, बस छूटे प्राण मेरे हैं। मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, मैं अब जीवित नहीं रह सकती। जगते मैया तू ही दौड़ करके आ जा, अब बिल्कुल भी दुख मेरी से सहा नहीं जाता। आ जा जगदम्बे मैया पूजी मैंने बारह साल, आ जा जगदम्बे मैया पूजी मैंने बारह साल। के तुम तो दर्श देखे कह दे तेरो आए गो काल, हे मैया के तुम तो दर्श देखे कह दे तेरो आए गो काल। अरे मोको पति से दियो मिलाए नात, बस घट में प्राण मेरे अलख मेरी लियो बंदी छुड़ाए नात, अब घट में प्राण मेरे हैं। हे स्वामी आज इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमी उस पतिव्रता का शरीर बिल्कुल व्याकुल हो रहा है, बिना अन्न बिना पानी के मैया परेशान है। जिस समय धानी विलाप कर रही है बंधन में और माँ पार्वती को याद कर रही है, हे माँ मैंने तुझे 12 साल तक पूजा लेकिन तू भी मेरे लिए भागन हो गई, हे माँ तू ही मुझे धीर बना, क्या मेरे भाग में यही लिखा है? और क्या हुआ जब माँ की पुकार, जब माँ ने पुकार धानी की सुनी है, अरे पलट भैया गिरजा महारानी, धानी से वचन सुनाई है, हाँ धानी से वचन सुनाई है। और वो देख चतुर भुजी रूप के धानी चरण गिरी भेराई है, देख चतुर भुजी रूप के धानी चरण गिरी भेराई है। केहन लगी गिरजा महारानी, क्यों दिल में घबराई है बेटी, क्यों दिल में घबराई है। अब तेरो बंद छुड़ैया ले जाए बंद छुड़ाई है, दुख सहो तेने भारी है बेटी, कष्ट सहो तेने भारी है, हाँ। मुखी त्यार चरण को दास सभा में राखो लाज हमारी है, मुखी त्यार चरण को दास सभा में राखो लाज हमारी है। इस तरह से मेरे भगवत प्रेमियों माँ पार्वती ने दर्शन दिए कि तेरी बंधन को छुड़ाने के लिए, और बाबू महाराज आ रहे हैं बेटी घबराओ नहीं। और इधर धानी की सच्ची आत्माओं की पुकार से श्री बाबूदेव का आसन हिलने लगा,
उसके अंतर ध्यान होकर के भोला ने देखा है कि मेरे लिए धानी आवाज लगा रही है। तो क्या हुआ भैया राम सिंह? अरे लो शंख चिमटा हाथ रे के बाबा चले दियो